तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यार आपका एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कई क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब उसमें भी आपके 15 क्वेश्चन थे जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया ना, उसके बाद के भी हम 6 क्वेश्चन इस वाले क्लास में लेंगे। और मैंने बताया कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए मैं उसको पार्ट में कर रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिए दिख रहे हैं ना, 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या, तो देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन में था क्या, जो नए बच्चे हैं उनको शायद ना पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें यही था कि भाई इनको ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। इन केस अगर भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी निकलते हैं ना, उनके आपको कॉमन डिफरेंस निकालने हैं और उसके आगे के 3 टर्म्स और आपको लिखने हैं, बस इतना ही काम है यार, ठीक है। आओ फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें करेंगे आज की क्लास का, बाकी आपका 6 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 0.2 है एंड उसके बाद है 0.22 एंड उसके बाद है 0.222 एंड उसके बाद आपका है 0.2222। इसको चेक करना है कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे भाई, हमको पता है कि डिफरेंस अगर सभी का सेम आता है, जितने भी टर्म्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होगा अगर वो सेम आ जाएगा भाई, तो वो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनका भी वही काम करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और हमको पता है कि A3 माइनस A2 मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि A3 माइनस A2 या फिर इसके आगे भी क्या कर सकते हैं, A2 माइनस A1 कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्ट होता है। हाँ कभी कभी अगर आपने ऐसे भी कर दिया है, ठीक है, तो भी गलत नहीं होगा, बट करा ऐसे ही जाता है जैसे हमने यहाँ पर करा हुआ, ओके। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि साइन साथ में नहीं लेना है, क्योंकि डिफरेंस आपको यही पता है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है इन दोनों के बीच में, कि जो गैप हो वो कितने कितने के नंबर का है, ठीक है, बस यही चीज। तो आओ इसका निकालते हैं जो भी है गैप। तो यहां पर देखो, पहला इसका A1 ये कहा जाएगा, A2 ये कहा जाएगा, A3 ये कहा जाएगा, A4 ये कहा जाएगा, आगे ऐसे भी हम लिखते चलते सकते हैं, ठीक है, A4 A5 ऐसे, ठीक है। तो अभी इसमें हमको चेक करना है क्या करेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा सब्ट्रैक्ट करने का भी देख लो तरीका, जिन बच्चों को डेसिमल का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं देखो 0.22, ठीक है। अब जो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा नहीं है कि यहां पर आप ऐसे लिखो 0.2, नहीं, जो डेसिमल होगा ना हम डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखेंगे, यानी कि इसके नीचे ये लिखेंगे। अब 0 और 2 इसके इधर उधर हैं, यानी कि इधर 0 है उधर क्या 2 है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा भाई आपका 2 ही और यहां पर आपका 0 एंड डेसिमल 0, तो यहां पर आ भाई 0.02। अच्छा इन दोनों का निकाल लेते हैं। हाँ भाई अगर इतना आया है तो सभी का इतना आना चाहिए, ठीक है, तो 0.222 हो जाएगा, उसी के बाद आपका है 0.22। अभी यहां पर 2 हुआ, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, यहां पर डेसिमल, यहां पर भी 0। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 0.02 आ रहा है यहां पर 0.002 आ रहा है, यानी इससे टोटली डिफरेंट है। अभी ये दोनों कॉमन नहीं है तो डिफरेंस कॉमन कहां से हो जाएंगे, तो हम निकालेंगे कहां से कॉमन, और आगे 3 टर्म्स को निकालने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है यार, समझ में आई बात भाई। अगर यहां पर 0.02 है तो यहां पर वही चीज आना चाहिए, समझ में आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, तो आप यहां लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब सॉल्व आप करेंगे तो यहां पर लिखेंगे दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो आपका यहाँ पर है 0-4-8-2 12, कॉमन लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि 0-4 मैं बोल रहा हूँ, 0-4 है, मैं ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखो अभी इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 होना चाहिए ना, A2 माइनस का A1,
तो यहाँ पर है माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 0, तो अभी माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि 0 में, तो भाई 0 हम किसी भी चीज में सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, बात समझ आ गई। अब ऐसे ही क्या करेंगे, ए थ्री माइनस का ए टू, ए थ्री हमारा क्या है माइनस 8, यहां पर माइनस करते हैं, और ए टू हमारा क्या है माइनस 4 है, ध्यान रखना इसको ब्रेकेट में लिखना, बहुत से बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं उसका माइनस हम लिखेंगे और साथ में जो नंबर हम लिखे हैं वो माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा माइनस का 8, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर 4, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो भाई आएगा आपका 4, बट साइन किसका लगता है जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर क्या है आपका 8, 8 क्या है माइनस, यहाँ पर हम क्या लगेंगे माइनस, यहां पर देखो आपका माइनस 4 आ रहा है, यहां भी आपका माइनस 4 ही आ रहा है, यानी कि ये क्या है भाई आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमका सब हमको क्या कहा गया था कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे के 3 टर्म्स निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे निकल चुका है कि माइनस 4 और इसका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस ही तो हम लोग निकाल रहे थे, अगर सेम हो जाएगा इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्यों है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है माइनस का 4, समझ पा रहे बात, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के 3 टर्म्स लिखने की, तो देखो 3 टर्म्स, 0 के बाद माइनस 4 है, माइनस 4 के बाद माइनस 8 है, और माइनस 8 के बाद माइनस 12 है, अभी आगे का गैप जो हो रहा है 4 का हो रहा है, तो आगे का हम क्या लिखेंगे माइनस का 16, तो यहाँ माइनस का 16 लिख देते हैं, माइनस का 16, उसके बाद क्या आएगा माइनस का 20 और माइनस का 24, तो आगे के 3 टर्म्स हो गए, और भी नहीं तो ऐसे हम लिख देते, समझ में आ गई बात। तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन और इस क्लास का 2nd क्वेश्चन। आओ अब इसको देखते हैं, आपका 8th वाला क्वेश्चन है क्या कि भाई -1/2 दिया है, और यहां पर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि हर जगह आपको -1/2 दिया गया है, इसको कैसे करेंगे भाई, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा क्या आपका, देखने से ही पता चल जा रहा है कि 0 आएगा, बट ऐसे नहीं है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप देख करके ही बताएंगे, एग्जाम में भाई आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तो आपको वही प्रोसेस करना है भाई, a2 - a1 करेंगे, a3 - a2 करेंगे, सारी चीज हम दिखाएंगे कि हाँ ये चीजें हुई है, इसलिए ये क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अभी देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0 है, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इनका उससे नहीं आ रहा, भले 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये मत सोचना कि नहीं है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस अभी देखा जाए तो 0 आ रहा है भले, बट सेम ही है ना, तो अब सेम है तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके आगे के 3 टर्म्स लिखने भी पड़ेंगे हमको, तो आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे देखने से पता चल जा रहा है यार, यहाँ -1/2 ही लिखेंगे 3 बार बस, ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला भी क्वेश्चन। अब इसमें देखो 1, 3, 9, 27, ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये तो नॉर्मली है, इसको आप चेक कर लेना खुद से ही, हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो इसको आप कर लेना, ये होमवर्क दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, ए के बाद 2a है, 2a के बाद 3a है, तो और इसको निकालते हैं कॉमन डिफरेंस कर लीजिए, तो a2 माइनस का a1, a2 हमारा 2a है और a1 है a, तो निकालेंगे तो 2a माइनस a का हो जाएगा a आपका, ठीक है। अब यहां पर देखो a3 माइनस का a2 निकालो भाई, 3a माइनस का 2a हो जाएगा, है ना, तो यहां पर देखो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपका a ही आएगा, ऐसे अगर 4a माइनस का 3a करेंगे तब भी वही चीज आएगी, इसका मतलब देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, और आगे निकालेंगे भी ना तो भी आपका सेम ही आएगा, और वो क्या आ रहा है आपका a, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया पहले से हमको ये पता चल गई कि ये क्या आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकल के आया भाई, a निकल के आया है, ठीक है। अब अगर एक चीज ये ध्यान रखना कि आपको कहा जाता है कि फर्स्ट टर्म होता है क्या इसका, फर्स्ट टर्म जो डिनोट किया जाता है, फर्स्ट टर्म डिनोट जो किया जाता है वो ए से डिनोट किया जाता है, कंफ्यूज मत होना यार यहाँ पर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, इन केस अगर आपको फर्स्ट टर्म कहा जाता है इसमें निकालने के लिए तो आप इस जगह पर स्मॉल ए की जगह पर बड़ा ए मानेंगे, कैपिटल ए, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है और इसको ऐसा मत समझ लेना कि फर्स्ट टर्म में एक क्वेश्चन में आपको दिया गया, ठीक है। तो ये आप अब देखो इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे के हमको थ्री टर्म्स निकालने हैं। तो देखो ए है, टू ए है, थ्री ए है, फोर ए है, फाइव ए हो जाएगा, सिक्स ए हो जाएगा भाई, सेवन ए हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब ऐसे इसमें भी आते हैं तो क्या करते हैं, देखो ए थ्री माइनस का ए, पहले ए टू माइनस ए वन करेंगे ना, ए टू माइनस का ए वन तो कितना होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ एक चीज कर सकते हो कि ए कॉमन ले लो कि बचेगा ए माइनस वन, यानी कि ये डिफरेंस इसका आ रहा है, और इसके आगे कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो अब आओ इसको भी निकालते हैं, ए थ्री माइनस का ए टू तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन होगा भाई ए स्क्वायर कॉमन, चलो और ब्रैकेट में आपका a माइनस वन बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो भाई, ये तो आपका सेम आ रहा है बट यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो मतलब अगर एक चीज मैच नहीं कर रही कोई भी चीज हो, कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है भाई, समझ में आ रही बात। तो अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा भी नहीं, एंड अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा तो हमको आगे के थ्री टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपके सिक्स क्वेश्चन थे इस क्लास के, आगे में आपके फोर क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी यार मैं सॉल्व कराऊंगा, बट आप लोग भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं तो बताऊंगा, ठीक है, देखना पर आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा मुझे पता है, बट जिन्होंने नहीं करा हुआ तो उसको ट्राई करना यार, बाकी मैं तो बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और इनमें आपको कहीं भी डाउट अगर बनता है, यहाँ कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो जरूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी जो पिछले एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेना, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।